नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ऋषि कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर जो हर किरदार में फिट हो जाते। फिल्मी पर्दे पर उनकी एक्टिंग हर किसी के दिल में जगह बना लेती थी। प्रोफेशनली और पर्सनली ऋषि कपूर के हर किसी के साथ अच्छे संबंध थे। हर रिश्ते को वो बखूबी निभाना जानते थे, फिर चाहे वो रिश्ता प्यार का हो या फिर दोस्ती का। तभी तो ऋषि कपूर के निधन की खबर कहीं और से नहीं बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट से मिली। अपने दोस्त के चले जाने से बिग बी अंदर ही अंदर कितना टूट चुके हैं, इसका अंदाजा आप उनके उस ट्वीट से लगा सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चले गए, ऋषि कपूर चले गए और अभी उनका निधन हो गया, मैं तबाह हो गया। असल में ऋषि कपूर और बिग बी का याराना ही ऐसा था कि दोनों की दोस्ती ही ऐसी थी जिसके चर्चे जग जाहिर है, ऑन स्क्रीन हो या फिर ऑफ स्क्रीन। दोनों के बॉन्डिंग को सिने प्रेमियों ने हमेशा सराहा। 70 के दौर में दोनों एक्टर ने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। सिल्वर स्क्रीन पर इन दोनों एक्टर की केमिस्ट्री लोगों को इतनी भाई कि अमर अकबर एंथनी से लेकर कुली, नसीब, कभी कभी, अजूबा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉलीवुड को मिली। और यही वजह है कि 26 साल बाद भी इनकी जोड़ी जब फिल्मी पर्दे पर फिल्म 102 नॉट आउट में दिखी, फैंस का इन्हें खूब प्यार मिला। हालांकि शुरुआत से ही ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, इसका खुलासा खुद ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि अमर अकबर एंथनी में काम करने से पहले मेरे और अमिताभ के बीच बातचीत नहीं होती थी, हमारे बीच थोड़ा तनाव था, लेकिन मैंने कभी बैठकर इसे सुलझाने की भी कोशिश नहीं की। हालांकि साथ में फिल्म अमर अकबर एंथनी करने के बाद हमारे बीच तगड़ी दोस्ती हो गई जो आज तक चल रही है। तो देखा आपने, बॉलीवुड के इन दोनों एक्टर्स के गहरी दोस्ती में तभी दरार नहीं आई जब अभिषेक बच्चन से करिश्मा कपूर का रिश्ता टूट चुका था। दो दोस्तों ने अपनी दोस्ती पर कभी भी आंच नहीं आने दी। बहरहाल साथ में कई सुपरहिट फिल्में देने वाले ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की दोस्ती तब टूटी जब आज ऋषि कपूर ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।